आसपास की हर खबर से अपडेट रहने के लिए डाउनलोड कीजिए इंडियन टीवी न्यूज का एंड्रॉइड एप्लीकेशन, साथ ही विजिट करें हमारी साइट indiantvnews.in पर। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका इंडियन टीवी न्यूज पर, मैं हूं आपका, अपना नाम है जुनैद। क्षेत्र में हो रही मूसलाधार बारिश से लोगों के घरों में घुसा पानी। सरकार की खुली पोल, नाली की सुविधा ना होने की वजह से लोगों के घर में बारिश का पानी घुसने की वजह से गृहस्थी का सामान बर्बाद। प्रयागराज तहसील 12 के अंतर्गत ग्राम सभा कांटी में बारिश की वजह से कई घर गिरे। बारिश का पानी निकालने के ना वजह से ग्रामीण के घर में भरा पानी, जो कि कुछ ग्रामीणों से बात की गई, उन्होंने बताया कि पानी निकालने के लिए यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं है, जो कि कई बार प्रधान को भी अवगत कराया गया लेकिन तब भी आज तक वहाँ पर नाली का निर्माण तक नहीं हुआ है, जिससे बारिश हो जाने पर लोगों के घरों में पानी भर जाता है। आज जैसे ही शाम से ही बारिश शुरू हुई, बारिश इतनी तेज़ थी कि कई लोगों का घर पानी में तब्दील हो गया। अगर बारिश का पानी यहाँ पर निकाला नहीं गया तो हो सकता है कई परिवार घर से बेघर हो सकते हैं। उसकी जिम्मेदारी सिर्फ शासन और प्रशासन की होगी। और हाँ, सरकारी मकान भी दिया जाता है तो ग्राम सभा कांटी के प्रधान कुछ अपने नज़दीक लोगों का सहयोग करते हैं, ना कि उन गरीबों को दिया जाए जिनके पास कई वर्षों से बेचारे घर को तरस रहे मिट्टी के घरों में कई वर्षों से गुजारा हो रहा है। जो नाइट में बारिश हुई है, बारिश से आप लोगों का घर पानी में तब्दील हो गया है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? अरे हम इसमें ये कहना चाहते हैं कि ये पानी की निकासी हो जाए। अब फिलहाल जो पहले बहुत पहले उधर नाली था रोड पे, इधर से मतलब आना जाना है, तो नाली बंद कर दिया गया है। अब पानी निकासी होने की अब उतना संभावना नहीं है और बारिश भी रुक नहीं रही थी उस समय। हम लोग 12 बजे से उठे हैं रात में, 12 बजे से इधर जो घर भरा है भी पानी लुच रहा था, हम लोग भी लुच रहे थे। तो फिलहाल हम तो सोचते हैं कि ये पानी निकासी निकाली जाए, जो कुछ हो। हम लोग अभी तक बाहर ही बैठे हैं, सब कोई बच्चे और सियान बुजुर्ग जितने लोग हैं हमारे घर के प्राणी सब बाहर बैठे हैं। अब फिलहाल अब घर में रहने के लायक भी नहीं है कि घर कब भी गिर सकता है। और क्या आप लोगों ने प्रशासन को अवगत कराया? प्रशासन के कहाँ अवगत कराया, हम लोग चाहे जिसको अवगत कराएंगे हम लोग को कोई सुनवाई ही नहीं होगी। क्यों नहीं सुनेंगे? आज तक कोई सुनवाई हुई है? क्यों नहीं सुनेंगे? अरे कौन सुनेगा? क्या प्रधान को अवगत कराया? प्रधान जी तो बोले थे, प्रधान जी बोले कि हाँ खोल लो पानी, तो पानी तो अब भर गया, तो खोल तो दिए हैं, पानी तो जा रहा है हल्का हल्का, फिर भी अब तो घर तो गिर ही जाएगा ना। तो प्रधान, आपका शुभ नाम? मिठाई। गाँव कौन सा है? कांटी। किस तहसील के अंतर्गत आता है? 12 तहसील। दोस्तों, इसी तरह की हर छोटी बड़ी और अपने आसपास की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। और जल्दी से अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। इंडियन टीवी न्यूज पूरे देश में अपने रिपोर्टर्स नियुक्त कर रहा है। अभी हमारे साथ पूरे भारत में 200 से ज्यादा रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़कर रिपोर्टर के रूप में काम करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में अपना जिला और मोबाइल नंबर लिखिए, हम आपको कॉल कर सारी जानकारी देंगे, या फिर आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इंडियन टीवी न्यूज एक नेशनल डिजिटल न्यूज चैनल है, पूरे भारत में हमारे रिपोर्टर्स काम करते हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़िए और अपने आसपास फैले हुए भ्रष्टाचार को खत्म कीजिए और देश सेवा में हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद।